देश में लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध के चलते सोमवार को कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेसी नेता देवेंद्र यादव ने बताया कि देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल गैस मूल्य वृद्धि के खिलाफ भाजपा सरकार ने आम जनता की सुबह की गुड मॉर्निंग की जगह महंगाई की गुड मॉर्निंग कर दी है। इस प्रदर्शन के माध्यम से आम जनता को ये दर्शाया गया। साथ ही मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान का मुकुट लगाकर बढ़ती महंगाई मूल्य वृद्धि का विरोध जताया। इस दौरान प्रदेश की आम जनता को ये बताया गया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद तत्काल देश में तेल गैस पेट्रोल में लगातार मूल्य वृद्धि की जा रही है। इसी को लेकर सोमवार को कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। ये विषय है कि मोदी और शिवराज के राज में अब गुड मॉर्निंग नहीं महंगाई मॉर्निंग के होने वाली है। पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि और गैस की मूल्य वृद्धि को लेकर आज हमने मोदी शिवराज का मुक्ता लगाकर महंगाई मॉर्निंग के रूप में आम जनता से महंगाई मॉर्निंग की गई और मानव श्रृंखला बनाई गई। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल गैस के भाव लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, पांच राज्यों में चुनाव निपटते ही वोट बटोरने के लिए जो है पेट्रोल डीजल और गैस में मूल्य वृद्धि नहीं की गई थी। जैसे ही पांच राज्यों में चुनाव निपटे भारतीय जनता पार्टी ने अपना चाल चरित्र और चेहरा दिखा दिया और जो है जनता पर महंगाई पेट्रोल डीजल गैस की मूल्य वृद्धि से आज जहाँ खाद्य तेल हो चाहे खाद्य सामग्री हो घर का बजट महिलाओं का बजट पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। उसी को लेकर आज हमने गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय के नीचे महंगाई मॉर्निंग का कार्यक्रम मानव श्रृंखला के रूप में मनाया। आपका पूरा परिचय। मैं देवेंद्र सिंह यादव इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी सभी मोर्चा संगठन प्रभारी एवं मध्य प्रदेश राज्य विकास केंद्र प्रदेश अध्यक्ष।